नालंदा के MLC पद के लिए 5 प्रत्याशियों का फैसला आज हो गया। सभी प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए लगातार दूसरी बार MLC पद पर रीना देवी का कब्जा बरकरार रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर लोजपा व राजद के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। जैसे ही रीना देवी के जीत का अनाउंसमेंट हुआ, NDA के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नालंदा विधान परिषद क्षेत्र से NDA की जदयू प्रत्याशी रीना यादव 1468 वोट से जीती हैं। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बात करते कहा कि जीत का श्रेय यहां की जनता, NDA समर्थित उम्मीदवार एवं त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को देते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। यह लगातार उनकी तीसरी जीत है, कुल वोट 2216 प्राप्त हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट करते हुए जीत की खुशी मनाई। इस मौके पर रीना देवी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों ने मुझे पुनः जिताने का काम किया है, लेकिन उससे भी खुशी की बात है कि जनप्रतिनिधियों ने बहुमत के साथ उन्हें जीत दिलवाया है। इस मौके पर उन्होंने अपने विरोधियों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग कहा करते थे कि वे अपने कार्यकाल के दौरान जनप्रतिनिधियों से मिलने जुलने का काम नहीं किए हैं, उन्हें जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही करारा जवाब मिला है। मुख्यमंत्री की अगुवाई में फिर से विकास की गंगा नालंदा में बहेगी। MLC चुनाव को लेकर 4 अप्रैल को 99.33% मतदान हुए थे। 20 प्रखंडों में से कुल 9 प्रखंडों में 100% मतदान हुए थे। आपको बता दें कि लोजपा रामविलास पार्टी के नरेश प्रसाद सिंह को 748 मत, जदयू से रीना देवी को 2216 मत, राष्ट्रीय जनता दल के वीरमणि कुमार को 576 मत, निर्दलीय प्रत्याशी अर्जुन प्रसाद को 10 एवं निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप कुमार को 16 मत प्राप्त हुए। इस बार 1468 वोट से जीतने का काम किए हैं, तो एक आज जो है एक खुशी का दिन है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और निकाय के सभी जनप्रतिनिधि, सभी मिल करके जो है हमें फिर से विश्वास जताने का काम किया है और उम्मीद और भरोसे को उन्होंने बरकरार रखने का काम किया है। और मैं भी पूरी तन्मयता के साथ अपने हृदय से उनको आभार प्रकट करती हूँ। आप लोगों के माध्यम से नालंदा में राजद को बार बार ये कहते सुना कि वो बहुमत से चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं और हम लोगों का सूपरा साफ करने का काम कर रहे हैं, और ख़ास करके वो पति पत्नी के पूरे कार्यकाल को समाप्त करने की बात कह रहे थे, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि पति पत्नी जो है दोनों मिल करके पूरे नालंदा में विकास का काम कर रहे हैं, और जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने ये जवाब देने का काम किया। मुझे उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है कि मैं मोरी कवारने गई थी कि धान रोपने गई थी, मैं अपने जनता के बीच में थी, मैं अपने सभी जनप्रतिनिधियों के बीच में थी, उनके सुख दुख में उनका सुख दुख बांटने का काम कर रही थी, और इसलिए उन्होंने पुनः जो है पति पत्नी को ही फिर से इसकी बागडोर देने का काम किया है, तो उनका जवाब मिल गया। देखिए, नालंदा नीतीश कुमार जी का घर है और ये सही बात है, और नालंदा में जितना विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है तो ये विकास जो है वो दिखाई देता है, ये विकास बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर चुनाव अभी संपन्न हुआ है और निर्वाचन आयोग के परमिशन के बाद हम लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया है। 3311 वोट पड़े थे, इसमें से 3566 वोट वैलिड वोट थे और 145 वोट इनवैलिड थे, तो 1784 वोट चाहिए थे जितने के लिए। तो रीना देवी जी इसमें सफल हुई, जिन्हें 2216 वैलिड वोट मिले और वो प्रथम हुई। सारे जो वोटर हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधिगण और नगर निकाय के जो जनप्रतिनिधि हैं प्लस माननीय सदस्यगण, जो सारे जो लोग जो है वोट रीना देवी को की है, तो उस जिस जवाब उनको स्वतः मिल गया, वो जो है सपना देखा के सोचते हैं कि वोट ले लें, तो सपना देख के कुछ ही लोग वोट करते हैं, बाकी लोग जो है हकीकत से बाकी होकर वोट करते हैं जो कि है। और यही कारण रहा कि बहुत सारे लोग जो है दल की सीमा को तोड़कर जो है रीना देवी को वोट दिए। मंत्री जी ने भविष्यवाणी की थी चुनाव के दिन कि 12 बजे के बाद RJD का भविष्यवाणी भी सही है। हाँ, मंत्री जी चूँकि घूम रहे थे, फीडबैक ले रहे थे, वो फीडबैक लेके देखे, उसके बाद उसके अनुसार वो बोले। श्रेय किसको देते हैं? श्रेय तमाम जो मतदाता हैं उनका है, NDA गठबंधन के जो नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और ये BJP के जो लीडर हैं वो हैं, और सभी शुभचिंतक हैं, और जो दल के सीमा तोड़कर जो साथ दिए शुभचिंतक, सभी समर्थक, सभी का सहयोग रहा, इसके लिए उन लोगों का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं।